मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे, तुझसे तुझे खबर क्या जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता जाऊँ सो so, हेलो गाइस नमस्कार मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो बनाने के लिए परफेक्शन का वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देगा हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल रहता है ताकि उसको वीडियो में डालते रहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती है ठीक है चलिए बिना बकवास होते बिना एंट्र होगा वीडियो को स्टार्ट कर सकते वीडियो बनाने के लिए आपको एक अपलीकेशन का जरूरी पड़ेगा जो कि है कैन मास्टर कल मास्टर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर मेरे वाला कल मास्टर चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना होगा तभी वहाँ पर मेरे वाला कल मास्टर आपको मिलेगा

डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करिए तो आपको कुछ इस तरह का पर आपको दिखेगा ठीक है तो सबसे पहले देखिए आपको यहां से बैकग्राउंड जो इमेज हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए तो पहले हम बैकग्राउंड जो इमेज है तो इसको पहले हम से सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों इसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करके कुछ इस तरह का यहां पर होगा तो ऊपर देखिए कट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आपको कट कर देना है कट कर दीजिए कट कर दिए तो कुछ इस तरह आपका जो इमेज यहाँ पर लग जाएगा आप क्या करना है इसको लेंथ को बढ़ाना होगा ठीक है इसको लेयर का जो नीचे दिख रहा है इसको लेंथ को बढ़ाना होगा इसको ज्यादा नहीं करना आपको अट्ठारह सेकंड तक कर देना ठीक है अठारह सौ उन्नीस सेकंड करते जगह ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि वीडियो जो इसमें रिलेक्स वीडियो जो यूज करेंगे वो ज्यादा लंबा नहीं है ठीक है तो इसलिए हम ज्यादा लंबा इसको नहीं यूज करेंगे ये छोटा सा क्लिप रहेगा ठीक है अब क्या करना है इसका एक इमेज लगाना है ठीक है दोस्तों जैसे इमेज लगाएगा कैसे लगाना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पहले हम यहाँ देखिए लेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा जिस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करें तो फिर से आपको यहाँ देखिए आपको जो भी गैलरी होगा यहाँ से खुल जाएगा तो जैसे गैलरी खुल जाए तो आपको क्या करना है वीडियो को ध्यान द किया पहले जो जो कि मेरे पास फोटो फ्रेम वाला जो png में है इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे ठीक है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करें ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसको नीचे करना ठीक है पूरा बीच पोजीशन में कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे करके यहां पर इसको इस तरह लगा देना ठीक है इस तरह लगा दीजिएगा इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए चलिए अब सही ठीक है इस तरह से आपको कर लेना है करना क्या करना यहाँ से ओके कर देना ओके कर दीजिए और उसको लेयर को यहाँ से बढ़ा देना ठीक है इसको हम बढ़ा देते हैं लेयर को जैसे बढ़ा दीजिएगा आपको क्या करना है जाना आपको एन एनिमेशन में और सबसे नीचे आइएगा ठीक है सबसे नीचे आइए और यहाँ देखिए इंटर सलाइड यू एप का ऑप्शन दिखाई इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है इस ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करिए इसको क्या रेसना आपको यहाँ से टू सेकंड कर देना ठीक इसको हम टू सेकंड कर देते हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपको टू सेकंड कर देना ठीक है जैसे टू सेकंड कर दीजिए आपको क्या करना है आप उसको थोड़ा सा स्क्रोप करिए आपको दो सेकंड स्क्रोप करना होगा ठीक है इसको हम दो सेकंड स्क्रोप करते हैं जैसे स्क्रोप कर लीजिए आपको क्या कहना होगा फिर से यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ देखिए आपको फिर से जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर में इसको आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करिए आपका जो भी गैलरी है यहाँ खुल जाएगा फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है जैसे डाउनलोडिंग फाइल जाए उसको देखिए मेरे पास यहाँ पे गर्ल का जो इमेज है इसको यहाँ पर लगाएंगे ठीक है इस जगह आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं किसी दोस्त का भी इमेज को लगा सकते हैं या किसी फ्रेंड का इमेज के भी लगा सकते हैं ठीक है या चाहे आपको अगर लगाना गर्लफ्रेंड का इसको भी लगा सकते हैं आपको ऊपर किसका इमेज जिसमें यूज करना चाहते हैं ठीक है तो आप क्या करना है इसको सेट करना होगा सेट करने के लिए आपको क्या करना है इस जगह देख लीजिए आपको इस जगह इस तरह से यहाँ पर साइज को थोड़ा सा बड़ा करना ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरह से बड़ा कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगाना होगा ठीक है पहले इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा नीचे और ऊपर देखिए थोड़ा सा पार्ट बढ़ रहा है ठीक है इसको क्रॉप करने के लिए आपको क्रॉपिंग जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा इस पर हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ऊपर से क्रॉप कर लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा आपको नीचे से क्रॉप करना है ठीक है थोड़ा सा नीचे से कर लीजिए इस तरह से कर लेना है और यहाँ से ओके कर दे ओके थाँगे तो कर देना है आप क्या कहना इस इमेज पर क्लिक करिए थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करिए इसको सेंड टू बैक कर देना है बैक कर दीजिए और बैक करने यहाँ से क्या कहना है आपको यहाँ से ओके कर देना है ओके कर दीजिए आपका जो इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा सा हम ऊपर और कर लेते हैं चलिए आप सही है इस तरह यहां से आपको यहाँ से एडजस्ट कर दीजिएगा एडजस्ट करने है तो क्या करना है इसके अंदर एक एनिमेशन डालना होगा जो कि जाना हाँ आपको एन एनिमेशन के ऑप्शन पर और सबसे नीचे आइए देखिए आपको इंटर स्लाइड डाउन का जो ऑप्शन दिखेगा पहले हम जो फ्रेम में यूज करते थे, थे इंटर स्लाइड ई ऑफ और इसमें हम यूज करेंगे इंटर स्लाइड डाउन ठीक है इंटर स्लाइड डाउन का जो ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करिए और इसको रेसिस को वन पॉइंट फाइव कर देना ठीक है इसको वन पॉइंट फाइव कर देते हैं और ओके okay कर दे ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका जो एफ लग जाएगा ठीक है आप क्या करना आपको चलाना तीन है थीके? तीन सेकंड में ठीक है तीन सेकंड पर आइए और यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है फिर से आपको यहाँ से देखिए डाउनलोडिंग फाइल दिख रहा होगा इस आपको क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करिए तो कुछ इस तरह के यहाँ पर आप आपको फिर से खुलेगा गैलरी तो आप पहले आपको अब आपको क्या करना है देखिए तो जो ऑप्शन दिख रहा है फ्लावर वाला इमेज इसको आपको सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेलेक्ट करके पहले उसको लेंथ कम यहाँ से बढ़ा देंगे ठीक है तो आपको भी यहाँ से लेयर को बढ़ा देना है और बढ़ाने क्या करना है आपको उसको साइज को थोड़ा छोटा करना है इसको छोटा करिए और छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे ठीक है आपको भी इस जगह पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लगा देना देख लीजिए इस तरह कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए लगा दीजिएगा जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करना है आपको थी इस इस तरह से कुछ लगा देना लगाना है लगाना दे तो क्या 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 करना आपको यहाँ से लेयर के यहाँ देखिए का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखिए इंटरेस्ट राइट वाला जो ऑप्शन है आपको तो क्लिक करना है इस पर क्लिक कर करिए क्लिक करके आप थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है इसको डुप्लीकेट तो तो करना है ठीक तो है इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके हमें इसको तो क्या तो करना कर रोटेटेट कर रोटेट करने का मोबाइल फोन में जाकर अंदर इस पर क्लिक करना है आप फर्स्ट ऑप्शन पर आपको तो क्लिक कर देना है क्लिक कर दिए जैसे क्लिक कर दिया आपको तो देखिए रोटेट हो जाएगा रोटेट हो जाएगा क्या 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 करना आपको इसको घिंच कर लिया ना है और इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है ठीक है इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देखेंगे आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है लगाने में क्या करना है देख लीजिए इसको हम लिए थे, थे तीन सेकंड पर इसको वन सेकंड स्क्रॉप करना है आपको चल सॉरी इसको चलना आपको चार सेकंड ठीक है इसको हम चार सेकंड पर आ जाते कुछ इस तरह से यहाँ पर चार से जाना और नीचे वाला को सेलेक्ट करना है जो इसमें जो एनिमेशन था इसको लेफ्ट के जगह पर इसको ऐड कर देंगे ठीक है आपको ऐड कर देना है और फिर से आपको यहाँ से लेयर का ऑप्शन देखिए इस इसको क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग की फॉर्म चल जाना उसका मेरे पास ग्रीन स्क्रीन जो इफेक्ट वीडियो वीडियो है इसको यहाँ से ले लेंगे ठीक है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल दें यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पहले यहाँ से क्रोमाक का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है स्विच को यहाँ से ऑन कर देना तो ग्रीन ग्रीन है ऑन कर लीजिए ऊपर वाला को आपको पचास परसेंट कर देना है नीचे वाला को भी पचास परसेंट करके यहाँ से ओके कर देना ओके कर दीजिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और यहाँ से म्यूजिक का एक ऑप्शन दिखाई इस पर क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक को म्यूट कर देना यानी कि बंद कर देना ठीक है इसको बंद कर दीजिए बंद करने के इसको हम जाएंगे इस पोजिशन में ठीक है आपको अभी इस पोजीन पर ले आना पहले इसको थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेते हैं चलिए इतना सही और इसको इस जगह पर ले आए ठीक है इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं चलिए अब सही है और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे ठीक है आपको भी दिखा, इस इस जगह पर इस तरह से लगा देना है लगाने में थ्री डोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे इसको बैक कर देना आपको भी बैक कर दिया और बैक करने के इसके अंदर भी एनिमेशन डालना है सबसे नीचे जाइए और इंटर देखिए सेलेक्ट यूब वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है इसको रेशियो को वन पॉइंट फाइव कर देना ठीक है इसको हम वन पॉइंट फाइव कर देते हैं और देखिए जो फ्लावर वाला इमेज है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट करना होगा इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना ठीक है इस तरह से एडजस्ट कर दीजिएगा देखिए यहाँ से वीडियो प्ले करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन और कितना अच्छा लग रहा है ठीक है आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर कर लेना जो इसको अंदर जो इफेक्ट जो है ग्रीन ग्रीन थोड़ा दिख रहा है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ऊपर वाला को 45 परसेंट कर देंगे और नीचे वाला थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे ठीक है आपका जो ग्रीन गेंद दूर थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप हो गया ठीक है अब क्या कहना है वीडियो को ध्यान से देखना है जैसे इसको हम लिए थे क्या चार सेकंड पर ठीक है चार पॉइंट एट सेकंड पर लिए थे तो इसको हम चल लाएंगे देखिए आपको छः सेकंड पर आ जाना है एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉप करना है और जो नीचे फ्लावर वाला इमेज था उसको सेलेक्ट करिए फ्लावर वाला को सेलेक्ट करना है और थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके हम इसको क्या करेंगे इस तरफ लिया ठीक है, है। यहां इस तरफ ला के यहाँ यहाँ पे इसको लगा देंगे और कैंची का आकर में कल करेंगे यहाँ ट्रीम टू देखिए लेफ्ट का जो ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करिए इस पर जैसे क्लिक करके आपको यहाँ से कट हो जाएगा उसके बाद देखिए इस इमेज को सेलेक्ट करना है थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है इसको डुप्लीकेट कर लीजिए डुप्लीकेट करके हम इसको भी घिच के ले आएंगे और इसको भी यहाँ पर इससे लगा देंगे आपको इसको भी लगा देना है बाद कैंची का क्लिक करना है इसको भी ट्रीम टू लेफ्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से ट्रीम टू लेफ्ट कर देना है ठीक है अब इसको यहाँ से एक सेकेंड स्क्रॉप करना है एक लेकिन स्क्रॉप करना स्लेट, स्लेट कर है फिर से देखिए जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट करिए थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करिए इसको डुप्लीकेट कर लीजिए डुप्लीकेट करना है तो क्या करना है आपको देखिए हम बताते हैं जैसे बताएंगे वैसे ही करना है आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ देखिए आपको रोटेट का ऑप्शन दिखा देखिए रोटेट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक कर दिया और ऐसा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने में तो क्या कहना आपको इस इम... इस वीडियो को सेलेक्ट करना है और इसको घिंच कर लिया आए और उसको इस पोजिशन पर यहाँ पर इसको लगाना है ठीक है तो आपको इस जगह पर लगा देना है लगाना थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे इसको सेंड टू बैक कर देना बैक कर दीजिए और बैक करने में तो क्या करना है आपको कहीं से आखिर में क्लिक करना है इसको ट्रिम टू लेफ्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इसको क्लिक कर दीजिए क्लिक कर दीजिए आपका कुछ इस तरह से यहाँ से कट हो जाएगा और इसको अपना अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए देख लीजिए जो आपको जैसे इसको छोटा बड़ा करना होगा यहाँ पर छोटा बड़ा करके यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देना ठीक है इसको लगा दीजिएगा ताकि वीडियो देखने में परफेक्ट अच्छी लगे और इसको थोड़ा सा साइज को यहां से बड़ा कर देते देखने में थोड़ा अच्छा लगे ठीक है और यहाँ पे इस तरह से इसको लगा देना फाइनली यहाँ तक आपका का देखिए आप काम हो चुका है आप क्या कहना वीडियो को पूरा फर्स्ट माना है और इसके अंदर रिलिक्स वीडियो लगाना है रिलिक्स वीडियो लगाने के लिए आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है अब जो रिलेक्स वीडियो यूज करेंगे उसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने में क्या कहना सबसे नीचे जाइए सबसे नीचे आने में क्या क्या आपको यहाँ से ब्लॉग ब्लॉडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए आपको स्क्रीन का एक ऑप्शन देखा इस पर आपको क्लिक करना है इसको क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है और जो इस इस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसको हम घीच के ले आएंगे और यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे ठीक है आपको यहाँ पर इस तरह से

और यहाँ सबको कट कर दे आप वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बनाए तो यहाँ से वीडियो को हम प्ले कर देते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरह से वीडियो बन चुका है वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे डिस्प्ले पर दो वीडियो और शौख रहा है किसी वीडियो को क्लिक के वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टीटर के साथ धन्यवाद